स्लम सेल की थियरी में ना अपना एक पॉइंट बाकी है कि ना स्लम सेल का फॉर्मेट कैसा है कंप्यूटेशन का। पहले एफईओसी में हम लोग लमसम प्राइस लिख देते, फिर कॉस्ट में हम लोग नेटवर्थ माइनस करते, एंड फिर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कुछ भी हो सकता है, बट इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, है ना। अब सुनो, ये जो लमसम कंसिडरेशन क्या होता है, इट इज अ प्राइस फॉर विच वी हैव सोल्ड अवर बिजनेस, ये लमसम प्राइस है ना। अब क्या है, लमसम प्राइस में चीटिंग हो सकती है। अरे चीटिंग क्या हो सकती है, लोग है ना कम दिखाएंगे, एक्चुअली लिया ज्यादा होगा लेकिन कैश में ले लेते हैं, तो इन लोग चीटिंग कर सकते हैं। मतलब ऐसा दिखाएंगे कि हमने हमारे पूरे धंधे को 1 करोड़ में बेच दिया है, जबकि डील क्या पता 4 करोड़ में हुई हो, बाकी सब कैश में ले लिया हो। एंड फिर 1 करोड़ लमसम में तो क्या क्वेश्चन भी नहीं कर सकता ना कोई। आज अगर मैं बोलूँ ना ये जमीन मैंने 2 लाख में बेची है, तो मालूम पड़ता है कि जमीन कोई 2 लाख की थोड़ी मिलती है, 1 करोड़ की जमीन है, ऐसे मान लो ना। जमीन को देख के मालूम पड़ता है उसका क्या प्राइस है। जैसे ये जगह का मैं बोलूँ, ये जगह मैंने 6 लाख में बेच दिया, कोई मानेगा ही नहीं, 6 लाख में कोई जगह बिकती है क्या। मतलब तो जगह की बोलते ना, इसका कैरेक्टर देख के समझता है। लेकिन स्लम सेल में तो हम लोग बिजनेस बेच रहे हैं, तो 1 करोड़ में बेच दिया तो क्या, एक बार तो बिलीव ही हो जाता है ना, फिर उधर भी झोल हो सकता है। किसी जब कोई स्पेसिफिक चीज बेचते हैं ना, तो स्पेसिफिक चीज का अपने को रिस्पेक्ट रहता है ना। ये सोना है यार, सोना कोई कचरे के भाव में थोड़ी बिकेगा, उसका कोई तो वैल्यू रहता है। लेकिन इधर कोई स्पेसिफिक चीज है कि झुंड में पूरा धंधा बेच दिया है, झुंड में सारा एसेट्स एक साथ में बेचा है, तो वो लमसम के नाम पे लोग सेल तो कर देते हैं, लेकिन वो लमसम प्राइस कैन बी मैनिपुलेटेड। मीन्स दे विल सेल फॉर फुल प्राइस, बट दे विल शो छोटा प्राइस इन द एग्रीमेंट। तो इसके लिए रिसेंटली अमेंडमेंट आया था कि जो तुम लमसम प्राइस बताओगे ना, हम लोग उस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तुम्हारा लमसम प्राइस जो भी होगा एफईओसी में आएगा, लेकिन वी विल चेक कि वो तेरा जो यूनिट तूने बेचा है ना, कि फेयर मार्केट वैल्यू से कम नहीं होना चाहिए। क्या कम नहीं होना चाहिए, लमसम प्राइस जो मैं क्लेम कर रहा हूं ना, कि मैंने अपना पूरा यूनिट 1 करोड़ में बेच दिया, 2 करोड़ में बेच दिया, जो प्राइस तुम कह रहे हो ना, हम लोग चेक करेंगे कि वो किसकी फेयर मार्केट वैल्यू, उस यूनिट की उस अंडरटेकिंग की जिसको स्लम सेल में बेचा गया है, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू जो होगी ना, वो बेंचमार्क है, उससे कम मत दिखाना। ज्यादा दिखाया तो हम ले लेंगे तेरा, लेकिन वो कम नहीं होना चाहिए। तो कंक्लूजन क्या मालूम है, इधर एक फॉर्मूला है, विचर इज हायर। अरे विचर इज हायर क्यों, क्योंकि तुमने लमसम प्राइस ज्यादा कोट किया है, मोस्ट वेलकम। हमको तो खाली ये चेक करना है कि हमको लल्लू तो नहीं बनाया ना बाय शोइंग कम, बट अगर ज्यादा है तो चलेगा, ज्यादा है तो चलेगा, मतलब विच एवर इज हायर। तो फॉर्मूला क्या बनेगा इधर बताओ, एक तो एक्चुअल कंसिडरेशन जो हमने डिक्लेयर की है, कि हमने हमारे पूरे यूनिट को 1 करोड़ में बेच दिया, 2 करोड़ में बेच दिया, जो भी तुमने बोला है वो एक्चुअल है, फिर दिस विल बी कंपेयर्ड विद फेयर मार्केट वैल्यू। ये किसकी एफएमवी की बात हो रही मालूम है, अंडरटेकिंग की एफएमवी। मतलब क्योंकि हमने बिजनेस में पूरे यूनिट को बेचा ना, तो पूरे यूनिट का एक एफएमवी निकलता है, और वो एफएमवी निकालने का तरीका इज गिवन इन रूल रूल 11 2AE, रूल 11 है, 11 लिखा, 11 यू ए, ABCD चालू हो गया, देखो UAE, रूल 11 UAE, इसमें एफएमवी कैलकुलेशन का प्रोसीजर दिया है। और वो एफएमवी मान लो इधर आ गई 2 करोड़, एंड फिर एसएससी बोलता है नहीं, हमने तो 1 करोड़ में पूरा यूनिट बेच दिया, तो फिर गवर्नमेंट 1 करोड़ एक्सेप्ट नहीं करेगी ना। 1 करोड़ कैसे, तेरा जो यूनिट तूने बेचा है उसका वैल्यूएशन हमने किया है, उसका वैल्यूएशन है 2 करोड़, और ये वैल्यूएशन इंडिविजुअल एसेट वाइज होगा। एसएससी इधर बोल सकता है नहीं, मेरे को एसेट वाइज वैल्यूएशन करना ही था, लमसम में बेचना था। स्लम सेल करने वालों का यही तो होता है कि उन लोगों को एसेट वाइज वैल्यूएशन नहीं करना होता, लमसम में बेचना होता है। हाँ तो तू बेचना, लेकिन हम तो एसेट वाइज वैल्यूएशन करेंगे, और एसेट वाइज वैल्यूएशन करके देखेंगे कि तूने जो लमसम प्राइस कोट किया है वो प्रॉपर है कि नहीं, कि प्रॉपरनेस हम चेक तो करेंगे। तो ये एफएमवी पूरा एसेट वाइज वैल्यूएशन के हिसाब से आएगा, वो कैसे करना है बताऊंगा, लेकिन एक बार फिगर से फील करो कि अगर 2 करोड़ की एफएमवी है और वो बोलता है मैंने पूरा यूनिट 1 करोड़ में बेच दिया, तो नहीं चलेगा। लेकिन अगर 1 करोड़ के बदले वो बोल रहा है 11 करोड़ में बेचा है,
हाँ तो चलेगा, मोस्ट वेलकम। 11 करोड़ तो सही बता रहा है, ज्यादा दिखाने में प्रॉब्लम नहीं है। अरे तो पहले फॉर्मूला सेट करो, क्या हो गया फॉर्मूला? विच एवर इज लेस के विच एवर इज हाई, विच एवर इज हायर, हायर लेना पड़ता है दोनों में से, एफ एम बी एंड एक्चुअल कंसिडरेशन इन दोनों में से विच एवर इज हायर, एंड दैट हायर वाला अमाउंट विल कम इन एफ ई ओ सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ टू फाइंड एफ एम वी ऑफ द अंडरटेकिंग। के लिए देखो मैंने बैलेंस शीट बना के रखी था, मतलब जिस यूनिट को हमने बेचा ना उसकी पर्टिकुलर बैलेंस शीट अपने को देखनी पड़ेगी। और बैलेंस शीट में देखो ज्वेलरी, आर्टिस्टिक वर्क, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज हुआ ना, उसका एफ एम वी पकड़ लो। मीन्स हम लोग एसेट वाइज वैल्यूएशन कर रहे हैं, मीन्स इधर भी एसेट्स माइनस लाइबिलिटी करेंगे। स्लम सेल करने वाला उसने एसेट वाइज प्राइसिंग नहीं किया होगा, लमसम प्राइस कोट किया होगा, तो करो ना, उसके लिए अपने को रोक टोक नहीं है। लेकिन वो लमसम प्राइस प्रॉपर है कि नहीं उसके लिए हम लोग एसेट वाइज चेक करेंगे। तो सी एसेट वाइज में ये कौन सा एसेट था, ज्वेलरी, आर्टिस्टिक वर्क। आर्टिस्टिक वर्क मतलब मालूम है वो था अपना डप्सा, अरे डप्सा था ना, ड्रॉइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, एनी वर्क ऑफ आर्ट, इसको इन्होंने शॉर्ट में आर्टिस्टिक वर्क बोल दिया। तो ज्वेलरी, आर्टिस्टिक वर्क एंड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, क्या था? मीन्स कंपनी ने कोई दूसरी कंपनी के शेयर्स एंड सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट्स किए होंगे, तो ये सब का फेयर मार्केट वैल्यू ले लो, एफ एम वी ऑन द डेट ऑफ स्लम सेल। फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, ये सब किसके एसेट से, मान लो जिस यूनिट को हमने स्लम सेल में बेचा ना उस यूनिट का हम लोग इंडिविजुअल प्राइस निकाल रहे हैं एक एक एसेट्स का। इसकी तो एफ एम बी ले लो, इमूवेबल प्रॉपर्टी की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ले लो, और ऑल अदर एसेट्स का बुक वैल्यू, माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज का भी बुक वैल्यू। ये माइनस ये करके जो आता है ना, दैट इज अ ट्रू एंड फेयर वैल्यू ऑफ योर अंडरटेकिंग। उतने में अगर तू बेच रहा है ना तो हमको कुछ वांदा नहीं है, ज्यादा दिखा चलेगा, क्योंकि लमसम में तूने जोश जोश ज्यादा भी कोट कर दिया होगा, ज्यादा चलेगा, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। नहीं, मिनिमम प्राइस है कि इतनी प्राइस तो तेको दिखानी पड़ेगी। याद करो क्या था, ये सीन छाप लो दिमाग में, प्री आर्टिस्टिक वर्क एंड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज का फेयर मार्केट वैल्यू। एक्चुअली ये सब ऐसी चीज है ना बैलेंस शीट में जिसके भाव जबरदस्त बढ़ते। एसेट साइड को फील करो, एसेट साइड में क्या होता है, फिक्स्ड एसेट्स होता है। फिक्स्ड एसेट्स में बढ़ने लायक क्या होता है, लैंड, प्रॉपर्टीज, बिल्डिंग होती है, तो उसका हम लोग ने लिया ना स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। और बाकी सब तो रद्दी एसेट होते हैं, घिसे पीटे डेप्रिशिएबल, तो उसपे उसको अलग नहीं किया हमने, अलग किसको किया है, इन लोगों में अप्रिसिएशन का स्कोप है, जिनका मार्केट में भाव बढ़ सकता है। और एसेट साइड में यही ऐसी चीज है, जस और इमूवेबल प्रॉपर्टी है। जस क्या था, ज्वेलरी, आर्टिस्टिक वर्क और शेयर एंड सिक्योरिटी, यही सब का ऐसा है ना मार्केट में भाव बहुत चढ़ गया होगा। जैसे कंपनी ने गोल्ड सिल्वर में बहुत इन्वेस्टमेंट करके रखा है, तो उसके भाव आसमान पे चढ़ गए होंगे शायद। शेयर एंड सिक्योरिटीज भर भर के लेके रखा होगा, तो उसके भाव आसमान में बढ़ गए होंगे। एंड आर्टिस्टिक वर्क वगैरह मोस्टली कंपनीज लोग के पास नहीं होता है, इंडिविजुअल लोग रखते हैं, लेकिन हो सकता है ना कंपनीज ने बहुत बड़े बड़े पेंटिंग्स, आर्टिस्टिक वर्क वगैरह में इन्वेस्ट करके रखा है, और वो भी 100-200 में लिया होगा, लेकिन उसका वैल्यू 1 करोड़ होगा। तो ये सब चीजें ना इन लोग में हाई प्राइस होने का स्कोप है। और बाकी अदर एसेट्स में गवर्नमेंट को इंटरेस्ट क्यों नहीं है, वो मशीन वशीन, बिल्डिंग, बिल्डिंग नहीं सॉरी, बिल्डिंग तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है ना, मशीन वशीन वो सब, फर्नीचर वर्नीचर तो क्या रद्दी भाव हो जाता है उसका, तो उसका जो बुक वैल्यू हमको एक्सेप्टेड है, बाकी ये सब का तो एक मार्केट में अच्छा प्राइस होता है ना, वो ले लो। फिर माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज का बुक वैल्यू, ये मैंने दो बैलेंस शीट बनाई, देखा तुम लोग ने, ये बैलेंस शीट से जो मैं चीज बता रहा हूं ना, इससे अपना ये आया, देखो ये ऐसे ऐसे करके क्या आता है, एफ एम बी विच शोज के वॉट इज अ ट्रू एंड फेयर वैल्यू ऑफ योर अंडरटेकिंग। ये उसका फेयर प्राइस होना चाहिए, और तुम ज्यादा कोट करोगे तो चलेगा, ये उसकी फेयर प्राइस है ना।
इधर हम लोग ने नेटवर्थ वाला टेक्नोलॉजी यूज नहीं किया है। देखो नेटवर्थ की टेक्नोलॉजी इधर काम आती है। देखो ये नेटवर्थ है ना, इसके लिए बताओ क्या करना चाहिए। ये देखो एक और बैलेंस शीट बनाई है मैंने, डेप्रिशिएबल एसेट्स का WDV एज पर टैक्स, अदर एसेट्स का बुक वैल्यू, आउटसाइड लायबिलिटीज का बुक वैल्यू। डिफरेंस है क्या? नहीं, मतलब ये मेथोडोलॉजी से तो अपना नेटवर्थ आता है। और एक चीज नोटिस की, इधर हमने FMV नहीं लिया है। अरे FMV तो बेचते टाइम बोलेंगे ये प्राइस तो मिलना चाहिए, ये तो मेरी कॉस्टिंग है, ये मेरा कॉस्ट है, कॉस्ट, और कॉस्ट में थोड़ी फेयर मार्केट वैल्यू दूंगा। तो वो तो मेरे एसेट्स का जो बुकिश वैल्यू वही मेरी कॉस्ट है। जैसे लैंड हम लोग ने 100 रुपये में खरीदा होगा तो बैलेंस शीट में 100 रुपये रखा, वो मेरा कॉस्ट है। लेकिन डेप्रिशिएबल एसेट्स में WDV एज पर टैक्स। लेकिन ऊपर देखा, ऊपर वो इम्पोर्टेंट नहीं था। अरे इधर डेप्रिशिएबल एसेट्स का भी बुक वैल्यू लिया है। अरे ये दोनों में डिस्टिंक्शन बिटवीन करो, करो, दोनों सेम दिखता है मोटा मोटी, नहीं इनके नशे सब सेम ही दिखेगा, लेकिन दोनों में डिस्टिंक्शन बिटवीन करो क्या है। ये सब तो सेम है, सेम चीज पहले देख लो फटाफट होता है, ये तो सेम है। फिर नहीं, अदर्स में है ना फर्क। इधर ज्वेलरी आर्टिस्टिक वो सब का FMV लिया ना, वही अगर इधर नेटवर्थ में ज्वेलरी वोलरी होगा तो बुक वैल्यू, कि इसको कॉस्ट बनाना ना। जैसे मान लो कंपनी के 10 करोड़ों का गोल्ड पड़ा है, तो गोल्ड इन लोग ने लिया था 100 में, तो नेटवर्थ में तो 100 ही लेंगे, लेकिन उसकी FMV 500 है, तो इधर 500 लेंगे। तो इन शॉर्ट ये जो आंकड़े हैं ना, अपने को सेलिंग प्राइस की तरह बिठाना है। सेलिंग प्राइस तो जो मार्केट वैल्यू वो हिसाब से बनेगी ना, और ये वाले आंकड़ों को तो कॉस्ट पे बिठाना है, तो इट विल बी एज पर बुक वैल्यू। तो वेदर हो ज्वेलरी हो आर्टिस्टिक वर्क हो शेयर्स एंड सिक्योरिटी हो, सब बुक वैल्यू। लेकिन इधर जस्ट के लिए बुक वैल्यू था FMV। अरे जस्ट मतलब ज्वेलरी आर्टिस्टिक एंड शेयर्स एंड सिक्योरिटी, तो इधर FMV था, इधर वो चीज बुक वैल्यू पे। फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी, इधर HDB है और यहाँ क्या है? नहीं, अगर वो डेप्रिशिएबल एसेट है बिल्डिंग, तो WDV एज पर टैक्स आ जाएगा। लैंड है तो इधर बुक वैल्यू। अरे इमूवेबल प्रॉपर्टी डेप्रिशिएबल भी हो सकती है, नॉन डेप्रिशिएबल भी, कैसे बताओ? अरे इमूवेबल प्रॉपर्टी में ऐसी कोई जगह है, इमूवेबल ही है ना, लेकिन चार दीवार छत पे तो डेप्रिशिएशन आता है ना, तो इधर वो डेप्रिशिएबल एसेट बनेगा तो WDV एज पर टैक्स। और अगर खुली जमीन है तो डेप्रिशिएबल या नॉन डेप्रिशिएबल, तो वो इधर बुक वैल्यू बेस पे आएगा। लेकिन ऊपर वाले में तो चाहे वो चार दीवार छत हो के जमीन हो, इमूवेबल है ना, उसका मार्केट भाव जबरदस्त होता है, तो उसका HDV काइंड ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ओनली। फिर इधर अदर एसेट्स बुक वैल्यू पे लिया ना, तो इधर मालूम मशीन भी आ गया, मशीनरी फर्नीचर, जिसका नीचे वाले में डेप्रिशिएबल बोल के WDV एज पर टैक्स ले रहे हैं। लेकिन इधर WDV एज पर टैक्स है, क्यों एज पर टैक्स क्यों? आज अगर मैं किसी से डील करो, सुनो हार्दिक को मैं अपना धंधा बेच रहा हूँ, तो मेरा फर्नीचर का बुक्स में जो वैल्यू है एज पर अकाउंट्स, वो प्राइस से बेच सकता हूँ ना। एज पर इनकम टैक्स तो जिधर कॉस्ट दिखाना होता है तब देखते हैं, क्योंकि एज पर इनकम टैक्स हमने कुछ डेप्रिसिएशन लिया था तो वो काट के बैलेंस WDV इज योर न्यू कॉस्ट। एज पर इनकम टैक्स क्या सोचते है कि हमने कुछ डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया था बिजनेस के हेड में, तो रिमेनिंग WDV एज पर टैक्स विल बी माय कॉस्ट। तो इसको कॉस्ट बनाना होता है तो एज पर इनकम टैक्स WDV लेते। लेकिन इधर हम लोग मशीन्स को कॉस्ट बना रहे कि सेल प्राइस में, सेल प्राइस जैसा बना रहे ना, तो मशीन तो क्या, आज अगर मैं बेचूं तो मेरा बैलेंस शीट में जो वैल्यू वो प्राइस में बेचना चाहिए ना मेरे को कम से कम। अरे मैं डिफरेंस नोटिस करवा रहा हूँ, बेस्ट ये सीन ही छाप लो ना दिमाग में। तो नेटवर्थ में अप्रोच क्या था बताओ? नेटवर्थ में डेप्रिशिएबल एसेट्स का WDV और बाकी सबका बुक वैल्यू माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। और FMV में क्या करना है ये बिगड़ देके बोलो, जस्ट का FMV, जस्ट मतलब ज्वेलरी आर्टिस्टिक वर्क एंड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज का FMV, और इमूवेबल प्रॉपर्टी का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। तो इधर डेप्रिशिएबल नॉन डेप्रिशिएबल सोचो ही मत, इसका FMV, बाकी सब बुक वैल्यू पे। एंड आउटसाइड लायबिलिटीज में थोड़ी कोई हो, तो जो है वैसे ही माइनस करेंगे ना।
तो ये इसका करना क्या, ये कैलकुलेशन करके क्या करेंगे, FMA, फिर क्या करेंगे, कंपेयर विद एक्चुअल कंसिडरेशन विच एवर इज हायर। अपना एक्चुअल वाला ही ज्यादा है तो ये FMV का वर्किंग इज यूजलेस, कुछ काम नहीं है, फिर एक्चुअल ले लो। बट अगर एक्चुअल कम आया तो ये अमाउंट का इंपॉर्टेंस आएगा ना, विच एवर इज हायर। ये रिसेंट अमेंडमेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी थियरी लिख देंगे, फिर बाद में ना ऐसा ड्रॉइंग भी कर देंगे, इससे अच्छा विजुअल आ जाता है कि ऐसी वर्किंग से कॉस्ट बनता है और ऐसी वर्किंग से FMV आता है। एक से ना ये एक्चुअल कंसिडरेशन है, सुनो क्या, देखो ना एक्चुअल कंसिडरेशन मतलब क्या, वो जो एक्चुअल लमसम प्राइस है ना, लेकिन अगर प्राइस हम लोग ने इन काइंड लिया होगा तो मार्केट वैल्यू। ये बहुत बार क्या होता है, हम लोग यूनिट बेच देते हैं लेकिन बदले में रोकड़ा नहीं लेते, कुछ चीजें ले लेते हैं। तो चीजों में ऐसा, अगर कोई साधारण चीज है तो FMV, इमूवेबल चीज है तो SDV, पर उतना हम लोग लिखेंगे नहीं, खाली इधर ऐसा लिख दो ब्रैकेट में, मनी प्लस मनी वैल्यू ऑफ अदर एसेट्स एक्चुअल कंसिडरेशन के लिए, मनी प्लस मनी वैल्यू ऑफ अदर एसेट्स। उसी इतने में हो तो गया, अभी अपने को है ना एक बार बना हुआ रहेगा तो अच्छा रहेगा, छोटी छोटी हैंडराइटिंग में कॉपी करना पड़ेगा, तो डेट क्या पूरा एक साथ एट अ ग्लांस दिखे अपने को।